कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अलवी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बिहार में दो चरणों में चुनाव हो चुका है, क्या लगता है कांग्रेस, जेडीयू, आरजेडी कहां पर स्टैंड करे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का सीधा सा दावा है कि वो चुनाव बहुत ही बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं। बीजेपी तो दिल्ली में भी दावा कर रही थी, क्या नतीजा निकला? जब से बीजेपी की सरकार आई है और नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, देश के क्या हालात हैं, कहां से कहां पहुंच गया। अमेरिका हमारे खिलाफ़ बयान दे रहा है, नेपाल जैसा छोटा मुल्क हमारे खिलाफ़ यूनाइटेड नेशंस में जा रहा है। जनता बीजेपी के असली चेहरे को पहचान गई है। बिहार के अंदर निश्चित तौर से महागठबंधन की सरकार बनने वाली है। सर, जिस तरीके से पिछले एक डेढ़ साल में देखा गया, जब से मोदी सरकार बनी है, चाहे वो हरियाणा हो, महाराष्ट्र, जहाँ भी स्टेट में इलेक्शन हुए हैं, मोदी सरकार के मंत्री और ज़्यादातर नेता वहाँ पर रैलियाँ कर रहे हैं। वैसा ही बिहार में आधा दर्जन से ज़्यादा मंत्री लगे हुए हैं, मोदी खुद प्रधानमंत्री वहाँ पर लगे हुए हैं। क्या लग रहा है आपको, इस तरीके से प्रधानमंत्री को शोभा देती है कि अपनी पार्टी के लिए या देश के लिए कहाँ पर पहले स्टैंड करते हैं? सत्ता की भूख जितनी बीजेपी में है इतनी कहीं नहीं देखी गई है। बिहार के अंदर उनके पास कोई मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं है। नरेंद्र मोदी जी वहाँ जाके पूरे बिहार का चुनाव लड़ रहे हैं, क्या मुख्यमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी जी? अब आहिस्ता आहिस्ता पूरे देश के लोग इन लोगों को समझ गए, ये न विकास पे चुनाव लड़ना चाहते हैं, न महंगाई पे लड़ना चाहते हैं, ये कभी लव जिहाद तो कभी घर वापसी तो कभी गाय, ये इनके मुद्दे हैं। इन मुद्दों से न देश आगे बढ़ सकता है और न देश के अंदर खुशहाली आ सकती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का मुझे कोई भविष्य नज़र नहीं आता है। सर, जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में देखा गया है, साहित्य का जो है हर दिन कोई ना कोई अपना अवार्ड जो है वो वापस कर रहा है, अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है उसका हनन हो रहा है, लोगों का यहाँ तक कहना है कि इमरजेंसी से भी बुरी स्थिति हो गई है। देखिए, ये तो आडवाणी जी ने कहा था कि इमरजेंसी जैसे हालात होते जा रहे हैं। साहित्यकार किसी भी देश का आईना होता है। अगर सरकार को अपना चेहरा उसके अंदर बुरा लग रहा है तो ये तुम्हारा असली चेहरा है। इससे सबक हासिल करने की बजाय अगर तुम आईने को ही तोड़ देना चाहते हो तो इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। तुम्हारा चेहरा तो जितना घिनौना हो चुका है उसमें कोई तब्दीली आने वाली नहीं है। सर, महंगाई को लेकर जब 2014 के लोकसभा इलेक्शन हुए थे, कहीं ना कहीं देखा गया था भाजपा ने कहा था महंगाई जाएगी, लेकिन दालों की जो कीमत है आसमान छू रही है। देखिए, आज गरीब आदमी के लिए पेट भरना मुश्किल हो गया है। आपको याद होगा बीजेपी के तमाम नेता, नरेंद्र मोदी जी लोकसभा के चुनाव से पहले क्या कहा करते थे, 100 दिन के अंदर महंगाई कम कर देंगे, 100 दिन के अंदर काला धन ले आएंगे। आज महंगाई आसमान छू रही है। दाल जो आम आदमी का खाना है, जो गरीब आदमी का खाना है, आज वो मुर्गे से ज़्यादा महंगा हो रहा है और सरकार इस तरफ तवज्जो ही नहीं दे रही है। फाइनेंस मिनिस्टर तरह तरह के बयान देते हैं लेकिन महंगाई की तरफ ना उनकी तवज्जो है ना प्रधानमंत्री की तवज्जो है। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे राशिद अलवी जी, इनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार जो है वो महंगाई को कोई तवज्जो नहीं दे रही और दालों की जो कीमत है वो आसमान छू रही है, कहीं ना कहीं मुर्गे से भी ज़्यादा ऊपर जो कीमतें हैं वो जा चुकी हैं। कैमरा पर्सन आदित्य के साथ दिल्ली से हृदय यादव, न्यूज़ पॉइंट।